ठीक है भाई, सही है, ऐसे ही बैठे रहते हैं. ओके रेडी, गेट सेट, ये रैपिड फायर है. तीनों से कॉमन सवाल है, इसका जवाब सब अपने अपने हिसाब से देंगे. ओके और ऐसा नहीं होगा कि दो मिनट का जवाब. रैपिड फायर का मतलब है ठक 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 वाला, ठीक है, ताकि हमारे प्रोग्राम का पेस फास्ट रहे. आप लोग रेडी हैं? रेडी, गेट सेट, गो. अगर बेहतरीन दोस्त उधार मांग ले तो आप लोग क्या करेंगे? आराम से देंगे कि टाल देंगे? फौरन दे देंगे. फॉरन दे दूंगा क्योंकि मुझे भी देना होगा उसका. तो ऐसा कुछ वो इक्वल हो जाएगा. ओके नेक्स्ट, अगर आपको किसी फिल्म में हीरोइन कास्ट करे, आपको तो नहीं कर सकते हीरोइन. चलिए हीरो कर लेते हैं ना. हम कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, हमें वो भी आता है. दोबारा, अगर आपको किसी फिल्म में हीरोइन कास्ट करे और आपसे हीरो का नाम मांगे तो क्या आपके जहन में आएगा? मैं आपसे ऑपोजिट सवाल कर देती हूँ कि अगर आपको किसी फिल्म में हीरो कास्ट करें और आपसे हीरोइन का पूछे कि आप क्या सजेस्ट करते हैं किसको हीरोइन कास्ट करें, तो आप किसका नाम देंगे? ओके, नुमान एजाज. नुमान एजाज हीरो. फवाद खान. फवाद खान हीरो. ज़ारा नूर अब्बास. ज़ारा नूर अब्बास हीरोइन. क्या बात, सही सही, जबरदस्त. अगर आपको मालूम आपको पता चल जाए कि साथी अदाकार ने आपका रोल कट करा दिया है तो आपका फौरी रिएक्शन क्या होगा? आपसे पूछते हैं, अल्लाह पूछेगा. अपना टाइम आएगा. अपना टाइम आएगा, अल्लाह पूछेगा. लेट इट बी. लेट इट बी. ओके जी, नेक्स्ट. ये मुझे लेट इट बी वाली लगती है कि हाँ, मैं तो रखूंगा जब तक अल्लाह नहीं पूछेगा. वो क्या चीज है जो हमेशा आप अपने बैग में अपने साथ लेके ट्रैवल करते हैं, उसके बगैर नहीं हो सकता काम? सैनिटाइजर. अब अभी सैनिटाइजर एंड स्प्रेज और एंटीबैक्टीरियल. जो स्प्रेज कौन से वाले? वो पेपर स्प्रे का नाम ले लूं? नहीं नहीं, मैं समझी आप कह रही पेपर स्प्रे. मैं अपना ना वो देसी स्प्रे जो हम घर पे बनाते हैं. अच्छा, उस आप देसी स्प्रे बनाती हो? अच्छा, मैं आपको ना बाद में बता दूंगी. बता दो बहन, क्योंकि डिटॉल एंड यू नो ब्रांडिंग एक्चुअली. कोई बात नहीं, चलो आगे बोलो. ब्लीच और थोड़ी सी मैं ये एक हरकत करती हूँ, थोड़ा सा स्प्रे रख के अपने ब्लीच डाल के. नहीं नहीं, फेस पे नहीं, किसी सरफेस पे अगर आपको करना हो. मुझे कंपनीज पे इतना ट्रस्ट नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद ही बनाई हुई चीज को एटलीस्ट मुझे पता हो कि इसमें क्या है. तो ये मेरे पास हमेशा जरूर. हमेशा आपने बता दिया? नहीं बताएं. परफ्यूम ड्यूटी. परफ्यूम, वो क्योंकि ऑपोजिट जेंडर के साथ बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है काम के हवाले से. अच्छा, ऑपोजिट जेंडर के साथ बहुत सेम जेंडर की कोई परवाह नहीं है. कोई बंदा हो तो मैं ऐसे करके बैठ जाऊं. ये एक बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही है जो शायद मैं नहीं कह पाती, लेकिन जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं, पंखे बंद, पसीना, गर्मी, उस वक्त अगर आप नहा के नहीं गए हो तो जो दूसरा बेचारा है मासूम जो आपके साथ. परफ्यूम लगाते हुए ना हर वक्त एक बात पूछती हूँ कि परफ्यूम लगाकर ये एहसास दिलाएं कि आपको सामने वाले का ख्याल है. एग्जैक्टली, मैं कैसे मोहब्बत का इजहार कर लूँ किसी ऐसे से जिससे स्मेल आती है? जिससे स्मेल आती है. अच्छा, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ. तो मैं क्या करती हूँ, खुद लगाते लगाते सबको भी लगा देती हूँ, किसी को बुरा भी ना लगे. देखो ये तो बहुत अच्छा वॉच है, तो सबको लगा देती हूँ. महंगा वाला ना रखे आप, वो 100-150 रुपए वाली स्प्रे आते हैं स्प्रे, उस वक्त तक के लिए आपके सीन के लिए काफी हो. हाँ, थोड़ी देर के लिए. ये वाली चीजें देखें, ऑडियंस को नहीं पता, हम बता रहे हैं. पंखे, लाइटें, लाइटें तो खुली होती है गर्मी में. ये लोग क्योंकि मैं तो नहीं अब एक्टिंग करती, मैं तो एसी में बैठती हूँ. हाँ, ये लोग खून पसीना एक करते हैं, आसान काम नहीं है. बहुत सारे लोग बेहोश हुए हैं सेट्स पे गर्मी के अंदर रिकॉर्डिंग करने की वजह से. ब्लड प्रेशर लो हो गया, इनको मना किया था मैंने 2.5 मिनट ना खाना, खुद खा रही हूँ. आगे बढ़ो. हाँ, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है अगर आपको वो मिलता ना, कोई मशहूर कैरेक्टर जो अभी ड्रामे आए हैं या फिल्में आई हैं, अगर वो आपको मिलता तो आप उससे और भी ज्यादा इंसाफ करते? मुझे देखनी है, मैं दूं पहले? हाँ, कोई भी दे दे. सब सोच रहे हैं. प्यार के सबके. प्यार के सबके वाला है. आप बहुत अच्छा कर लेते. ओके, आप बताओ. महवेश, मुझे लगता है कि मैं कोई भी कैरेक्टर किसी को नाराज नहीं कर सकती. नाराज नहीं, मैं नहीं. कोई कैरेक्टर तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो कि ये मुझे तो देख के देखते जरा मैं ऐसा करती हूं? मैं आपको वही बता रही हूं कि मैं मुझे नेगेटिव करने का बहुत शौक है. तो नंद का कैरेक्टर अगर तुम्हें मिलता तो तुम और अच्छा कर सकती थी बहुत. मैं मुझे नहीं लगता कि डर रही है वहां जाएगी तो पता नहीं क्या सुनना पड़ेगा. नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है. शी इज वेरी स्वीट. वो स्क्रीन पे ऐसी है वरना शी इज वेरी स्वीट. लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है हर कोई काम अपने एक उसमें ना शेल में करता है. मतलब आप किसी से अच्छा है, किसी से
बुरा नहीं कर सकते, आपका काम आपका है, किसी और का काम ये बिल्कुल ये असल में भाभी जैसी है, जैसे भाभी बनी हुई है ना। चले जवाब मिल गया कि मैं वाकई में मासूम हूँ। तुम बताओ नहीं यार। मुझे भी यही लगता है। नहीं यार की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ यार, ये तो गलत बात है। देखिए स्टार्ट मैंने किया था सही था, अब क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं हम क्या करें। ओके नेक्स्ट, बैंक से फोन आ जाए कि आपके अकाउंट में पता नहीं कहाँ से 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए हैं, उस 1 करोड़ का क्या करेंगे? मैं तो घर लूंगी। तो घर लेगी इसको 1 करोड़ का घर पता नहीं कहाँ मिलेगा, फ्लैट भी नहीं मिलता आजकल तो 1 करोड़ का। करा के सब मिक्सअप करके मैं ले लूंगी, सबसे पहले मेरे दिमाग में नहीं तो 1 करोड़ का घर शायद वहाँ मिल सकता है, सुपर हाईवे पे आगे सुपर या इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा। 1 करोड़ का तो फ्लैट भी नहीं आता, लेकिन मैं वो सेव नहीं करूंगी, मैं कुछ ना कुछ उससे अच्छा लूंगी, क्या पता वापस ना पहले कुछ ले, क्या पता ट्रांजेक्शन हुई है वापस ले। पहले तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे कि ये ताकि वहाँ से जाए ना। आप क्या करेंगे? मैं ट्रैवल करूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा और बस मैं उड़ा दूंगा, बस उड़ा दूंगा। मैं वेट करूंगी पक्के पता चले कि किसके हैं। हाँ। ऐसे यूज नहीं करूंगी। हाँ। बहुत ही मॉरली करेक्ट इंसान है, हम नहीं है। हमारे पास आए बस उसके बाद हम देख लेंगे। हमारे पास 500 आए। रिश्ते के लिए अगर कोई बात करने आए तो पहले आप लड़के को इम्प्रेस करेंगी, लड़कियों के लिए सवाल है कि आप लड़के को इम्प्रेस करेंगी या लड़के की अम्मी को, और आपके लिए सवाल है कि अगर रिश्ते के लिए आपके लिए भी कोई रिश्ता आ जाए तो आप पहले लड़की को इम्प्रेस करेंगी या लड़की के घर वालों को। चलो मैविस, मेरा ख्याल है कि आप तो मैं तो हाँ, ना रिश्ता हो चुका है, वो तो हो चुका है, बट जो मेरा ख्याल है कि आपको उनके पेरेंट्स से पहले आपको उनको इंप्रेस करना चाहिए, बिकॉज आपने लाइफ फायर है बहन उनके साथ गुजारनी है, लड़की को ओके, किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं, कोई इंप्रेस ही नहीं करोगी, आता है जाता है जाए, कोई मरी नहीं जा रही मैं शादी करने के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही है भाई, आप बताएं भाई। मुझे लगता है वो ऑलरेडी इम्प्रेस्ड होंगे, आपने मुझे देखा। अच्छा अगर कोई राह चलता बुरी एक्टिंग का ताना दे दे, कोई भी आप बाजार गए या कहीं भी गए यार बड़ी अच्छी नहीं की आपने एक्टिंग, मुंह पे बोल दे, क्योंकि मुझे एक आध दफा आंटी बोल चुकी है क्या तुम तो मॉर्निंग शो करके तो तुमने मेरी बहू का दिमाग खराब कर दिया। वो आंटी मुझे कह चुकी है एक दफा, मैंने कहा आंटी सॉरी प्लीज कल आइंदा मैं आप लोगों के फेवर में बात करूंगी, तो वो मुझे तो मिल चुका है एक ताना ना आने मतलब बाजार में, तो कभी आप लोगों को ऐसे बोल दे तो क्या करेंगे आप लोग? अगर कोई बोले कि वो अच्छी एक्ट नहीं, मैं कहूंगी आपने देखा क्यों, मैं यही बोलती हूँ गुड गुड, देखा क्यों आपने? हाँ। तो मुझे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं ना इंस्टाग्राम पे हर जगह पर, हाँ। कि ये किया वो किया, तो मैंने कहा आप लोग देख क्यों रहे, जस्ट अनफॉलो आप। हाँ। आपको देखना भी वही है, क्रिटिसाइज भी करना है, नेगेटिविटी भी फैलानी है, स्टॉप वॉचिंग। लोग नेगेटिव नहीं हो गए आजकल ज्यादा? बहुत ज्यादा, सबके अल्लाह ताला ने इतनी सजा दी है कोरोना की सूरत में, फिर भी नहीं सुधरते हैं, बहुत ज्यादा है। हाँ अच्छा आगे बढ़ते हैं, चलो अरे तुम बताओ। मैं बोलूंगा अच्छा ठीक ठीक है, आइंदा बेहतर करने की कोशिश करूंगा। नहीं, नहीं।, नहीं मुझे पता है मैंने क्या किया। और आप क्या मेरे साथ ये हो चुका है। हाँ। मैंने इल्तजा जब ऑनियर था तो उसमें अफशां कुरेशी जो मेरी सास बनी थी, तो वो बड़ा जुल्म करती हैं, जला देती हैं, तो मुझे किसी ने ना ऐसे चलते हुए, वो बहुत सीधी सी खातून थी, मैं रोड क्रॉस कर रही थी। हाँ। तो उन्होंने रोड के बीच में ना, वो भी शायद कर रही थी, वन बूढ़ी सी खातून थी। हाँ। तो उन्होंने पकड़ के मुझे बोला कि अल्लाह का शुक्र है पहचान गई वो, तो उन्होंने यूं पकड़ के मुझे कहा कि वो जो तुम्हारी सास है ना, वो सिंधी में बोला उन्होंने कि वो जो तुम्हारी सास है ना, तुम उसके साथ ये कर लो, तुम उसके साथ वो नहीं कर लो, ये ऐसे क्यों करते हो, यूं करके ना। मैं तो थोड़ी देर के लिए मतलब मैं शॉक हो गई, उसके बाद मैंने सोचा कि यार मतलब तुम्हारे फेवर की बात कर रही थी। एग्जैक्टली सास को किस तरह करो उस तरह करो, मैं तो उल्टी बात कह रही हूँ, कोई आपको पकड़ के कोई आपके लिए नेगेटिव कमेंट दे दे वो मैं एक्टिंग की बुराई कर दे, ये उल्टा माफी मांग लेंगे उससे, अच्छा सॉरी। मुझे ऐसा लगता है अगर कभी कुछ ऐसा होगा तो शायद मैं यही बोलूंगी अच्छा नेक्स्ट टाइम सही कर लूंगी। ओके हाँ जी, छपकली नहीं छुपकली या कॉकरोच, किससे डर लगता है? दोनों से, कॉकरोच और दोनों से, जब तक उड़े ना तब तक ठीक है, उड़ता है तो फिर हाँ फिर तो सामने ठीक है, गायब हो जाता है फिर तो हालत, क्योंकि घर में कोई एक शख्स होता है जिसको बुलाया जाता है चुपकली मारो, और हर घर का एक कोई अब्बा होता है जो मारता है, कोई एक भाई होता है जो मारता है। आपके घर में ये काम कौन करता है? हमारे यहाँ लेगेसी चल रही थी, पहले अब्बा
ठीक है, उन्होंने उंगली तोड़वा ली इस चक्कर में, अब मैं, अब कोई आने वाला कोई होगा तो वो उस पर शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, उंगली कैसे तोड़वाई? वो बेड हटा रहे थे, पूरा बेड हटाया उन्होंने, चिपकली और वो बेड भी लग गया उनका, उनके जूता था तो बेड पे लगी उंगली, तो हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया। तुम्हारे घर में कौन है ये चिपकली वगैरह मारने? मम्मी मारती है, मेरी बहन जो है वो चिपकली से डरती है, मैं कॉकरोच से, मतलब अगर वॉशरूम में कोई कॉकरोच हो ना कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगी, मुझे वो कोई चाहिए मुझे। अब मैंने पता क्या किया, अब ना मेरी जो, मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां हैं, तो मैं बिल्लियों को ना मैंने एक ड्यूटी दी हुई है कि तुम लोगों को सारे कॉकरोच मारने हैं, और एक बिल्ला ऐसा है अभी ना कि वो सब देखता है कॉकरोचेस कहाँ पर है तो उसे ना मार मार के फेंके, सिर्फ मार के ना हाथ से मार मार के फेंके, इतना पसंद है वो, लेकिन कहती है बहुत अच्छा काम करता है मेरे, कॉकरोच को मरता हुआ देख के खुश होती हो। और तुम, तुम्हारे घर में किसकी जिम्मेदारी है? पहले अम्मा की थी, अब जो मेरे हस्बैंड के जो फादर है उनकी, माशाल्लाह 75, लेकिन वो अभी भी, और वो तो स्पोर्ट्स यही होगा ना, यही जवानी का यही होगा, अब रिटायरमेंट के बाद उनके पास और कोई काम नहीं तो वो यही करते हैं। ओके।